नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम, CFM न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, हम लोग अपना पार्षद कैसा हो ये अभियान चला रहे हैं। तो इस दौरान हमने पहले भी कुछ वार्ड में इस तरह का अभियान किया था, और उस अभियान के दौरान हमने देखा था कि लोग किस तरह से अपने पार्षद द्वारा किए गए कामों को बता रहे थे, या फिर जो काम उनकी नहीं की गई है उसको बताए थे। और आज हम लोग जानेंगे वार्ड नंबर 61 में लोगों के साथ 5 साल पार्षद जो है किस तरह से अपना रिलेशनशिप को बरकरार रखा था। आइए दोस्त, सर था काउंसिलर के द्वारा, कितना काम किया गया उसके द्वारा, क्या काम किया गया? अरे, पानी पीने के लिए सर मर रहे हैं, ये काम कहाँ से बात दूर के बाद, रास्ता देख रहे, कच्चा कच्चा रास्ता है, नहीं नाला है, ना पानी पीने का ठीक है, पानी आने से दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, हाथ हाथ टन टन करके रास्ता रास्ता देख रहे कितना घड़ी है, पोल गड़ा गया, बाद पानी पैर पे बिछा हुआ, पानी कैसे, इतने साल से ये परेशानी आप लोगों के साथ, अरे मोरावटी हम लोग जब से भर आए तब से परेशानी, इधर जब से 2 साल से पाइप गड़ाया हमारा, अभी तक पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, ये 2 साल से पाइप गाड़ के किया हमारा, पानी नहीं आया, पानी परेशानी दे दिया है कि तसल्ली के पानी देखो और जियो, रोड से पानी ढो के जियो, पानी आते जाते दूर किलोमीटर से लगे आगे घूर के किया हमारे, पानी से पाइप ना लगाया, पानी नहीं दिया, रास्ता का ठीक है, नाला का ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, आपका ये बस्ती का नाम क्या है? कुलतोड़ा, कुलतोड़ा, कुलतोड़ा इदगा मोहल्ला, कुलतोड़ा इदगा मोहल्ला। अच्छा, ये वार्ड नंबर 61 में ही आता है। एकसठ, एकसठ। तो यहाँ के पार्षद द्वारा 5 साल कितना काम किया गया काउंसिलर के द्वारा? जितना काम हुआ है एकसठ नंबर वार्ड में, रोड साइड में हुआ, जीटी रोड साइड तक, इधर हम लोग गाँव बस्ती था, अंदर में नहीं हुआ, काम अंदर साइड में सिर्फ आया है तो बिजली आया, बस हम लोग पानी पीने के लिए तरस रहे, रोड के लिए, नाला के लिए तरस रहे, और छोटा सा बच्चा पढ़ने लिखने के लिए तकलीफ हो रहा है, जाने में काउंसिलर रहा 15 साल में, रोड देखिए मट्टी का, पानी पड़ता तो भर ठेवना पानी रहता है, बोलने जाता तो बोलता है लाइन से हमको कोई मतलब नहीं, वहाँ का कोई आदमी हमको वोटे नहीं देता, लेकिन वोट यहाँ मिलता है, लेकिन बोलता है नहीं मिलता, आज तक हम लोग का राशन कार्ड नहीं मिला, आधार कार्ड नहीं बना, जाने से बोलता हम क्या करें। आप लोग इसके लिए शिकायत किए थे? शिकायत कितना बार किया, उसको कितना खोजे, वो 14 कैंडिडेट बना के बैठाए हुए हैं, उसको खोजने के लिए मोटा मोटी 2 लीटर तेल लगता है, 2 लीटर तेल लगता है उसको खोजने के लिए, तो भी नहीं मिलता। अभी आपने वीडियो बना के जीता, यही बात है, हमारा यही चाहिए कि जो आदमी यहाँ काम करे शिक्षित रूप से वही ठीक है, आज 15 साल से क्या किए लाइन किनारे, कुछ नहीं, हम लोग को आधार कार्ड, आने वाला समय में आप लोग कैसा पार्षद चाहते हैं, किस तरह का हम लोग का काउंसिलर चाहिए कि जो बस्ती पारा ग्राम के लिए अच्छा करे, हम लोग को भी अच्छा सुने, यही चाहिए। 5 साल से, 5 साल से जो काउंसिलर रहा है यहाँ पे, उसके जरिए कितना काम किया गया? हम लोग इधर कुछ नहीं हुआ, पाइप बन गया उसमें हम लोग को पानी नहीं आया, बॉल भी लग गया तो बॉल नहीं जल रहा। कितने सालों से इस तरह का समस्या है आप लोगों के? हम लोग तो 5 साल से हैं यहाँ पर, 5 साल से देख रहे हैं, हमसे पहले से ही लोग हैं, लोग 10 साल से हैं। काउंसिलर को इस बात की जानकारी आप लोग दिए हैं? बोल रहे अभी आ रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, 2 घंटा में आ रहे हैं, लेकिन नहीं आया, बोल बोल करके नहीं आया। आपका नाम? मेरा नाम तो हसीना है। जो है, जो काउंसिलर है, हाँ। उसके द्वारा कितना काम किया गया? 5 साल तक वो काउंसिलर था, अब फिर से चुनाव होने वाला है, फिर से चुनाव होगा, काउंसिलर हो सकता है रहे ना रहे, कोई और रहे उसके जगह पर, दूर राशन और कार्ड तो दैन रहा है बेटा। अच्छा, कहाँ ऐसे बिना राशन के रहा है,
तो राशन कार्ड बनवाने के लिए जो कैंप लगाया गया था उसमें कैंप में आप लोग राशन कार्ड भरे थे, फिर भी नहीं बन पाया? नहीं। कितने सालों से आप लोग का राशन कार्ड नहीं बन पाया? कितने साल पुराना रहा, 5-6 साल से नहीं मिला है। 5-6 साल से नहीं मिला? नहीं। तो इसके लिए वार्ड पार्षद को बोले थे? हम सब बोल के बैठे। तो अभी आने वाले समय में आप लोग को कैसा पार्षद चाहिए? कैसा पार्षद मतलब काउंसिलर किस तरह का चाहिए? कैसा काउंसिलर होना चाहिए? कैसा होना चाहिए कि जो काम करे वो होना चाहिए। अच्छा, ये अभी का जो वर्तमान में जो आपका काउंसिलर था, उनका 5 साल पूरा हो गया, तो वो कैसा काउंसिलर था? उसके द्वारा काम आपको देखने को मिला? नहीं, कुछ नहीं। आपका नाम? शांति। आप लोग का 5 साल यहाँ पे जो पार्षद रहा है, तो उसके जरिए कितना काम किया गया आपके बस्ती में? कितना काम किया गया पार्षद के द्वारा, जो काउंसिलर है उसके द्वारा? नाली ताली बनाया। अच्छा, ये सब सब बनाया। अभी खड़े एक नाली बाकी है, लाइन बाकी दिया, सब कुछ करिए रहा, दिए रहा। और आप लोगों का यहाँ पे कोई ऐसा समस्या? समस्या हम लोग क्या कुछ ना, हम लोग गरीब आदमी है, कमाते खाते हैं। 5 साल में काउंसिलर क्या क्या काम करके आप लोग को दिया है? यही जो नली उली बनाया है, और नली बनाने के लिए बाकी है, यहाँ से वहाँ तक बाकी। सबका राशन कार्ड, स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये सब सब आप लोग का बन गया है? हाँ, बन गया है। उसका आप लोग को मदद मिल पाता है ना? हाँ, मिलता है। और हम लोग का विधवा पेंशन तो नहीं बना। विधवा पेंशन आप लोग का नहीं बना? नहीं बना है। आप लोग काउंसिलर के पास गए इसका शिकायत की है? हाँ, जाके तो बोला कि बन जाएगा। कितना दिन से नहीं बन पाया? कितना दिन से परेशान आप? हम तो 1 साल से परेशान है, मैंने बन नहीं रहा है। आपका नाम? हमारा नाम मधु देवी पोदार। आपका बस्ती में 5 साल तक जो काउंसिलर रहा है, जो पार्षद रहा है, उसके द्वारा कितना काम किया गया, कितना कार्य किया गया है? कुछ काम हुआ है आप लोग का बस्ती में? नहीं, नहीं हुआ है। कुछ नहीं। क्या क्या चाहते हैं पार्षद? किस तरह का मतलब काम करे आपका बस्ती में? कैसा काम करने वाला? मिस्त्री करता है हम लोग। आपका पार्षद मतलब किस तरह से आप लोग का सहयोग करेगा, सहायता किस तरह से कर पाए? कैसा पार्षद चाहिए? कुछ तो करवे नहीं करता है हम लोग को, कुछ होवे नहीं हुआ है। अच्छा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर आधार कार्ड हुआ सरकारी जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, हेल्थ कार्ड? कुछ नहीं। तो आप गए थे बनवाने के लिए जो कैंप लगा था? किया रहा, बोलता है नहीं होगा, तो हम लोग कहाँ का आदमी है जो नहीं होगा? अच्छा, ऐसे बोल रहा है, किसी को नहीं हुआ है। और जो भी योजना है, जो आपका बच्चा परिवार, वो लोग? नहीं, मेरा लड़का, दो लड़का है, तो नहीं हुआ है, बहू को नहीं हुआ है, वो लोग को स्कूल नहीं हुआ है। स्कूल में उन लोगों को मतलब सरकारी योजना का लाभ मिल पाता है? नहीं, से सर्टिफिकेट दिया रहा, तो सर्टिफिकेट बोला जो बोल नहीं, अभी नहीं होगा का लोग का। यहाँ का आप लोग का काउंसिलर कौन है, आपको पता है काम कौन है? बादलपुर चुंडी राजा। अच्छा, तो बादलपुर चुंडी द्वारा यहाँ पे काम किया गया है या नहीं? कोई किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। राशन आपको मिलता है? राशन नहीं, तो बड़ा कार्ड दिया है हम लोग, नहीं छोड़ाता है। बड़ा कार्ड दिया? हाँ। तो आप लोग छोटा कार्ड के लिए ही नहीं किए? हाँ, 2-3 बार फॉर्म भरा है। आप लोग का यहाँ बस्ती में 5 साल जो पार्षद थे, तो उसके द्वारा कितना काम किया गया, उस काउंसिलर के द्वारा कितना काम हुआ है या नहीं हो पाया? हम लोग का यहाँ पर तो काम तो राधो का कुछ भी किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, किसी का बात में साथ देता है, साथ देता है राधव का। हम लोग को बोला था कि हम लोग को जैसे कि शमशान घाट बनाने का ही रहा, वो शमशान घाट का रास्ता नहीं देना हम लोग को, बोला कि हम लोग को काम कर देगा, हम लोग उसी के पूंजी मानते हैं चलते हैं। इसके आगे बोलते हैं कि राशन कार्ड के लिए हम लोग को छोटा वाला राशन कार्ड तो है नहीं। तो राशन कार्ड आप लोग का बना है? बना हुआ है, लेकिन बड़ा बड़ा कार्ड हम लोग को तो 1 किलो चावल मिलता है, एक आदमी के पर पेट 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ मिलते हैं बस। अच्छा, आगे आप कुछ नहीं मिलता है। इससे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था लॉकडाउन में, 2 साल तकरीबन खाद्य सामग्री दिया गया था राशन शॉप में, तो वहाँ से आप लोगों को राशन मिल रही थी? सर, हम तक तो राशन कार्ड तो हमारे पास में नहीं था उस टाइम में, पूरा फुल लॉकडाउन में हमको राशन नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कौन कौन तो राशन कार्ड यहाँ पर मतलब कहाँ गए थे बनवाने, किसी के पास? हम लोग म्यूनसिपलिटी। हम उसके अलावा आप लोग का पार्षद जो है यहाँ पे और कुछ काम किया है, यहाँ पे और कोई काम की जरूरत है? इसका आगे तो काम तो नहीं बना है, जो ठीक बोलना है हम तो अच्छे बात बोला।
वो काम करते हैं, बोलता था घर होगा, घरों तो नहीं। बादलदा बोला के घर बनेगा तो लोग के एक गरीब का ही बनाएगा। आवास योजना के तहत जो घर बनने को था यहाँ पे इस एरिया में, आपका कितना घर बना है इधर पे? तो घर कहाँ, एक भी नहीं बना। अच्छा, नहीं एक बना है, एक घर बना, पैसा एक ही घर बना है। अच्छा, पैसा दे के। कितना पैसा लगा? कितना लगा? 30,000 रुपया दे कर। आपका परिचय, आपका नाम? शंभू राम। कौन सा बस्ती है? डेडी 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 ग्राम। ताल तक कौन था, क्या पार्षद को जानते हैं अपना? हाँ, काउंसिलर कौन है आपका? बादल। उसके द्वारा यहाँ पे 5 साल जितना काम किया गया, वो काम क्या, आप लोग उस काम से खुश हैं? अच्छा, और अभी आप लोगों का यहाँ पे कुछ ऐसा समस्या पार्षद के जो काउंसिलर नहीं कर पाया? नहीं कर किया अभी। क्या नहीं किया अभी? यही देखिए, ड्रेन नहीं बना है, ईदगाह नहीं बना है, अभी बहुत आदमी का घर में भी पानी नहीं आया है। आने वाले दिन में क्या चाहते हैं पार्षद? आपको कैसा मिले जो आपका मतलब सहयोग कर सके, किस तरह का पार्षद? कैसा काउंसिलर चाहते हैं आने वाला समय में? जो पहले बादल था तो अभी कौन है नहीं गया उतना हमको पता नहीं। नहीं नहीं, कैसा चाहते हैं आप? तो इलेक्शन होने वाली है तो इस दौरान कैसा पार्षद चाहते हैं आप? बोल दे, सुनने दे, सुनते जवाब दे। हर चीज का तकलीफ है। हाँ, क्या चीज का तकलीफ यहाँ पर? सब चीज है, पानी नहीं बना है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इसकी जानकारी आप लोग पार्षद को दिए थे? नहीं। काउंसिलर को अपना? नहीं नहीं दिए। अच्छा, आने वाला टाइम में कैसा काउंसिलर आप लोग चाहते हैं? 2 या 3 महीने के बाद नजदीक चुनाव है, काम तो चुनाव में कैसा काउंसिलर? काम करने वाला, जो काम हम लोग को कर देगा वैसा चुनाव चाहिए। यहाँ आपको मतलब 5 साल अपने काउंसिलर से सहयोग मिल पाया था, कुछ हेल्प मदद? हाँ हुआ है, वैसा कुछ खास नहीं। बादल हर एक काम में खड़ा है, हर एक काम में पहले खड़ा था। है, लेकिन का बात का बात है, अभी तो लड़ाई झगड़ा। कोरोना काल में, कोरोना काल जो था आप लोग को मालूम है, 2 साल हम लोग कोरोना को फेस किए हैं, अभी भी कोरोना काल मतलब चल ही रहा है, ठीक है। तो इस दौरान जो है पार्षद काउंसिलर जो आपका है या फिर स्थानीय कोई सोशल वर्कर, कौन लोग आप लोग का सहायता के लिए आए यहाँ पे? पानी बह रहा है तो कौन करेगा? हम लोग का झमेला हो रहा है, पानी जाने पड़ रहा है, इधर नाली बनाने पड़ रहा है। कहाँ पे नाली आप लोग कहाँ? नाली देखिए, गंदगी फैला हुआ है। कितने सालों से ये मतलब इस तरह का प्रोग्राम? कम से कम 5-6 साल हो गए, 5 साल 6 साल से झील रहे हैं। जैसा कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं अपना पार्षद कैसा हो, तो इस दौरान हमने वार्ड नंबर 61 का जब दौरा किया, तो दौरा करने के बाद लोगों ने पार्षद के 5 साल के कार्यकाल में कहीं अपनी संतुष्टि दिखाई और कहीं पे असंतुष्ट दिखे पब्लिक जो। आप कितना सहमत हैं 5 साल के कार्यकाल में पार्षद से? देखिए, आप जो मेरा वक्तव्य ले रहे हैं, काउंसिल पोलिटिकल पार्टी के हिसाब से अपना बात रखते हैं, हम लोग बामटोल से जुड़े हुए हैं। पार्षद के माध्यम से विकास नहीं हुआ ऐसा बात नहीं बोला जा सकता, विकास हुआ है लेकिन जिस हद तक होना चाहिए था उस हद तक नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए पार्षद के द्वारा कॉरपोरेशन में बोला गया था कि वार्ड भित्तिक वार्ड कमेटी बनाया जाएगा, आज तक वार्ड कमेटी गठन हुआ कि नहीं जानकारी नहीं। डेवलपमेंट जब आप इलाके में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो वार्ड कमेटी का ऑफिस बनाने का बात था वो लोग का अपना पॉलिटिकल पार्टी का अड्डा बना हुआ है। वार्ड कमेटी ऑफिस है कि नहीं हम लोग का जानकारी नहीं है। और विकास जब आप इलाके में जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा, जब इच्छा है जहाँ इच्छा वहाँ विकास हुआ है। जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं कि हर साल दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा के पहले प्रत्येक पोल में लाइट रहता था हर साल। बामफ्रंट का अमल से ही जब राज चल रहा था, कॉरपोरेशन जब मेयर में हम लोग का था, कॉरपोरेशन का मेयर थे,
लेकिन विगत इधर नहीं कुछ से देखा जा रहा है तो दुर्गा पूजा काली पूजा छठ पूजा का पहले जो लाइट लगने का व्यवस्था तो व्यवस्था आस्ते आस्ते बहुत होते जा रहा है या पूर्ण रूप से नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा 100% नहीं, जब इच्छा होगा तब लगाएंगे। जैसा कि मालूम है नगर निगम चुनाव काफी नजदीक है, तो इस दौरान अगर आपका पार्टी का उम्मीदवार रहता है, कोई सीपीएम का कैंडिडेट रहता है इस वार्ड से, तो वो आप उससे क्या आशा करेंगे या इससे बेहतर वो किस कैसे कर पाएंगे? देखिए यहाँ पर तो वामफ्रंट और से या सिर्फ सीपीएम का ही है, इसलिए पार्षद का जो कैंडिडेट होगा ये हम लोग का निश्चित तौर पर सीपीएम का कैंडिडेट होगा। और उम्मीद क्या सीपीएम का कैंडिडेट कैसा होता है, इसका पहले सरजू वाला दास आप जाकर देख सकते हैं, आज 5 साल पहले जो उनका रहन सहन था पार्षद के पहले आज का रहन सहन सेम है, लेकिन लोग जीतने का पहले और जीतने के बाद दोनों टाइप का रहन सहन में अपने आप डिफरेंस पता चल जाता है। हम तो निश्चित तौर पर चेष्टा करेंगे कि मेरा अपना पार्टी का उम्मीदवार पार्षद जीते, विपक्षी पार्षद को हराएं जो रनिंग पार्षद है, तो मेरा उद्देश्य होगा ही और विकास का काम तो होगा ही। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे अपने वार्ड? सरजू वाला दास भी इसके पहले जीती हुई थी, उसका काम को सामने रख के हम लोग दिखलाएंगे। इसके पहले जब नोटिफाइड था, जब हमारे नितिन चटरा जी वाइस चेयरमैन थे, उस टाइम जो विकास का रूपरेखा था, इतना फंड नहीं आने के बाद भी इलाका का विकास होता है, छोटा मिनिमम काम था जो कंटिन्यू होता था नोटिफाइड रहने के बाद ही, जैसे प्रत्येक दिन सफाई करने के लिए प्रत्येक पोल में बल्ब रहता था छोटा छोटा, लेकिन अभी तो कॉरपोरेशन ने व्यापक पैमाने पर पैसा आने के बाद भी जो हिसाब से काम होना चाहिए नहीं हो रहा, ये पब्लिक ही ठीक करेगा कौन बेटर, आप लोग सर्वे कर रहे हैं आप लोग को पता चल जाएगा पब्लिक ठीक करे कौन क्या है नहीं है, किसके अंदर डिटेक्टरशिप है, किसके अंदर लोकतंत्र है, क्या है नहीं, तो पब्लिक ही खुद ही ठीक कर देगी। आपका परिचय? मेरा नाम वीरू यादव। अपने 5 साल के कार्यकाल में वार्ड नंबर 61 में पब्लिक को कितना संतुष्ट कर पाए अपने काम से? देखिए ये 5 साल है, आगे वाला भी 5 साल में बाल रहेगा काउंसिलर से, तो ये 10 साल में हम लोग मोटा मोटी हम लोग वार्ड का 80% काम कर चुके हैं। कुछ काम अभी बाकी है, जहाँ जहाँ नया नया घर बना कोई कॉलोनी बैठा हुआ है, पुराना जहाँ जो लोग बासिंदा का घर है मोटा मोटी हम लोग रोड रास्ता डेट बोलिए लाइट बोलिए पानी का कनेक्शन बोलिए मोटा मोटी हम लोग 80% काम कर चुके हैं, 20% काम बाकी है, वो काम भी हम लोग आगे वाला वक्त में वो काम पूरा करेंगे। एवं हम लोग जो हम लोग का एरिया का बसिंदा है उन लोगों का कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, ये हम लोग का वादा है। जैसा कि मालूम है नगर निगम चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है, तो इस दौरान आप लोग कितना संतुष्ट हैं अपने काम करने के बाद, 5 साल काम करने के बाद कितना संतुष्ट है आप लोग? देखिए ये आप अपना हमारे वार्ड में जाकर पता लगा सकते हैं, ये हमारे काउंसलर बोलिए हमारा पार्टी का लड़का लोग बोलिए एवं हर कर्मी को बोलिए किसी का भी बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो हम लोग जाकर खड़ा होकर अगला सबको पास आगे बढ़ा। दिन में हम लोग एक रेडी में बच्चा लोग का पढ़ने के लिए स्कूल बना चुके हैं, ठीक है, एक नया मैरिज हॉल नया बड़ा का बनने के लिए प्रस्तुत हुआ, जमीन भी हम लोग मोटा मोटी ले चुके हैं, स्कूल टोला में एक ईदगाह बन चुका है, एक आपको शशान जो काली मंदिर है बावड़ी पड़ा मूवी शशान बन चुका है मोटा मोटी, तो मोटा मोटी हम लोग जितना रास्ता बोलिए बोलिए आदमी को हम लोग जितना हम लोग सर्विस दे चुके देते हैं हम लोग, तो हम लोग लोगों का बहुत ऐसा जगह पे परेशानियां भी है रास्ता और नाली को लेकर के, तो उसमें सुधार जो है आने वाला समय में किस तरह से करेंगे आप लोग? देखिए हम आपको एक चीज़ बताएं, कुछ नया घर कुछ जगह बना है, कुछ जगह हम लोग अभी तक कुछ काम कर चुके हैं लेकिन पूरा काम हम लोग नहीं किए, लेकिन आने वाला वक्त में हम लोग वो काम पूरा करेंगे, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, ये हम लोग अपना पार्टी की तरफ से हम लोग का ममता बनने का जो उन्नयन है उसका तरफ से हम लोग बोल सकें, जहाँ अगर दिन में किसी का कोई आप लोग का कोई नहीं बोल सकेंगे तो मेरा ड्रेन नहीं बना रास्ता नहीं बना, ये हम लोग बता देंगे।